यदि टोटी चोर के नाम से प्रसिद्ध हुए आज तक उत्तर दे नहीं पाए हैं अखिलेश यादव। यार तो मजाक ही बना रहे हैं और जनता को भी मजाक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। एग्जाम तो करवाते हैं लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते, पेपर लीक हो जाते हैं आपकी पार्टी में। ऐसा है जो लोग पकड़े गए हैं नकल में या वो सब के सब सफाई निकल रहे हैं जो पकड़े गए हैं, इसके अलावा और लोगों पे जांच चल रही है। यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता का नाम आता है तो पार्टी का स्टैंड उसके साथ क्या होगा? मेरा सवाल है अगर अगर ऐसा नाम आता है तो क्या कार्रवाई उसके खिलाफ होगी? वो जो अगर आएगा वो अगर में जो है वो लोग हैं जो उछल कूद करके अभी। तो आपकी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि भाजपा क्या ऐसी कोई नदी है जिसमें जो जाएगा वो पवित्र हो जाएगा, समुद्र मंथन भी करवाने की क्षमता रखती है। तेजी से एक मांग उठ रही है कि इस बार का जो प्रत्याशी हो वो जनपद भदोही का हो, बाहरी नहीं चलेंगे। जनपद के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? काशी नरेश जो विद्यालय है यहाँ तो एक महिला डिग्री कॉलेज है, सही से 80% युवा बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं। तो बनारस चाहिए या फिर जाइए आपको प्रयागराज की। भदोही का जो जिला अस्पताल बनना था जिसपे 18 करोड़ का घोटाला साबित हुआ है, लापरवाही है। आज इमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी के मामले में, हेड इंजरी के मामले में आज भी फेलियर है और यहाँ तक कि रेफर जिला आज भी हम झेल रहे हैं। हमारी सरकार आने के बावजूद भी केंद्र सरकार राज्य सरकार बार बार कोने लगता निचले स्तर पर ज्यादा लापरवाही हो रही है इसमें। महिलाओं की भागीदारी अब तक देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो इलेक्शन लड़ने की बात उसमें वो पीछे रही है, अन्य पार्टियों में महिलाओं को स्थान आगे मिला है। ऐसा क्या कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाएं अभी तक पीछे रही? नहीं देखिए वो घूंघट प्रथा वाला नियम देखा जाता है, इस कारण से महिला उठ के जिम्मा है, वो चाह के भी उतना ओपन नहीं हो पा रही है। ओपन होना चाहती है राजनीति में, जिस तरह उनके जैसा मेहनती अभी महिला मैंने भदोही जिले में नहीं देखा है। 33% की बात पार्टी कर रही है तो क्या इनको प्रमोट करने के लिए पार्टी और अलग से प्रयास नहीं करेगी? भदोही का युवा चाहता है कि इस बार बाहरी प्रत्याशी ना हो। आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी अगर किसी बाहरी को टिकट देती तो क्या एक युवा होने के नाते आप विरोध करेंगे? अगर पार्टी आपके अलावा किसी और युवा को चुनाव मैदान में उतारती है तो आपका स्टैंड क्या होगा उसके? देखिए मैं पहले ललितेश पत त्रिपाठी तृणमूल कांग्रेस से भदोही जनपद में चुनाव लड़ना चाहते हैं और एकमात्र सीट अगर तृणमूल कांग्रेस, जिसका कोई जनाधार मुझे नहीं लगता इस जनपद भदोही में है, बावजूद इसके वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसको आप कितना सटीक मानते हैं? कांग्रेस पार्टी है जिसने रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में लाने का काम किया है। ललितेश पति त्रिपाठी कर रहे हैं तो अपने पूर्वांचल का अपमान कर रहे हैं, भदोही का अपमान कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों और उनका परपोता इस तरह की गतिविधि कर रहा है तो इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है। ललितेश त्रिपाठी इंडिया गठबंधन से आएंगे, तृणमूल कांग्रेस से अगर टिकट मिलता है तो क्या समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है उसका लाभ वो ले पाएंगे? नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र में। चुनाव का बिगुल अब बजने ही वाला है और जिस तरह से गहमा गहमी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला। दीपक मिश्रा युवा जिलाध्यक्ष के रूप में चुने गए। अब कहीं ना कहीं युवाओं में एक जोश है और एक उमंग जगी है कि पार्टी युवाओं को आगे बढ़ा रही है। दूसरी बात जो आगे निकल कर के आई कि जिनका विरोध कम होगा पार्टी उन्हें मौका जरूर देगी। इसी क्रम में हमारे साथ पार्टी में एक अलग स्थान रखने वाले, पार्टी के लिए जुझारू कहा जाए, पार्टी के लिए अपना तन मन धन समर्पित करने वाले युवा नेता या युवा समाज से भी कहा जाए, आनंद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये क्या विज़न रखते हैं 2024 के चुनाव को लेकर। देखिए मेरे लिए मेरा भदोही एक परिवार है, उस परिवार के नाते मैं पहले अपने परिवार को ध्यान दूंगा कि मेरा भदोही परिवार किस दिशा और किस वेश में चल रहा है। उसके लिए मुझे प्रत्येक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, साहित्यिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और व्यापार और रोजगार के रूप से भदोही का विकास हो, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तेजी से एक मांग उठ रही है कि इस बार का जो प्रत्याशी हो वो जनपद भदोही का हो, बाहरी नहीं चलेंगे। ये मांग, इसमें आप अपनी दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से चुनाव जब लड़ती है तो उसके लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं रखता है, उसके लिए कमल का फूल हमारा जो सिंबल है। किंतु भदोही लोकसभा के जनमानस की जो आवश्यकता को देखा जाए, जिस प्रकार से होना चाहिए भदोही का विकास, वो पिछले 1994 से जब से भदोही जिला गठित हुआ है तब से लेकर अब तक विकास कार्य कहीं भी दिखता नहीं। इस कारण से भदोही की जो मांग है उसमें अगर मैं सटीक बैठता हूं तो मैं मांग रहा हूं, और अगर पार्टी इस विषय में सोचेगी तो मैं तैयार हूं लड़ने के लिए भदोही के विकास के लिए। जनपद के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? देखिए, जनपद के प्रमुख मुद्दे हैं, प्रमुख रूप से अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें, आज भदोही में पुराना काशी नरेश जो विद्यालय है ज्ञानपुर में, KNPG सबसे पुराना है, आज़ादी से पहले का डिग्री कॉलेजेस है, पहले इंटर कॉलेज था फिर डिग्री कॉलेज हुआ। बगल के ज़िले में, जनपद में, चाहे मिर्ज़ापुर हो, जौनपुर हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, अगर देखा जाए सब ज़िलों में कहीं न कहीं कहीं 2 विश्वविद्यालय राज्य स्तरीय हैं, तो कहीं 3 विश्वविद्यालय राज्य स्तरीय हैं, केंद्रीय स्तर के भी विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। लेकिन भदोही जनपद के तीनों जो क्षेत्र हैं तहसील के रूप में, ज्ञानपुर, भदोही और आई, इसमें न तो एक महिला डिग्री कॉलेज है सही से, न तो ब्लॉक स्तर पे शिक्षण संस्थाएं हैं जो आए दिन रोज एक शिक्षण की अच्छी व्यवस्था दी जा सके। तो एक तो विश्वविद्यालय बने, पहले ही आवश्यकता। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में देखा जाए, कृषि अनुसंधान द्वारा जो निर्देशित किया गया है कि भारत के 727 जिलों में कृषि अनुसंधान केंद्र होना चाहिए, जिसमें से एक भदोही जिला भी आता है, उत्तर प्रदेश का जिला है, यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र भी जिले स्तर पे नहीं है, जो कृषि की गुणवत्ता को, कृषि कार्य को महत्वपूर्ण मिले। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो बहुत सारे किसानों के खेत जो है बंजर भूमि की तरफ पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको कृषि कार्य जो नई गुणवत्ता या नई जो नीति आई है कृषि की, उस नीति के तहत वो कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अब तीसरा बात करें रोज़गार की, रोज़गार आज भदोही जनपद की जो जनसंख्या लगभग 200 लाख के करीब है, उस लाखों करीब जनसंख्या में लगभग 10 लाख के करीब ऐसे युवा हैं जो 18 साल से 35 साल की एज है, और उस 18 से 35 साल में लगभग 80% युवा बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं। आज भदोही में देखा जाए तो संविदा बेस पे, टेम्परेरी बेस पे अगर नौकरी दिया जाए तो कम से कम नहीं तो लाखों युवाओं को भदोही जनपद में नौकरी दी जा सकती, प्रत्येक विभाग में, छोटे से बड़े विभाग को, लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं। और उसका क्या कारण है इसकी भी जांच कभी नहीं हुई या जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं हुआ है। पाँचवा सबसे प्रमुख विषय है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, भदोही में 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, एक भी ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है जो इमरजेंसी में किसी भी बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो उसके लिए हम कोई भी इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए या तो बनारस चाहिए या फिर जाइए आपको प्रयागराज। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जबकि अभी बीच में जनमानस की तरफ से, भदोही के लोगों की तरफ से यह विषय आया कि भदोही का जो जिला अस्पताल बनना था, जिस पर 18 करोड़ का घोटाला साबित हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, तो ये स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही है। आज इमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, नॉर्मली बाइक से या कहीं भी, अभी तक जितने भी मेरी जानकारी में है, हेड इंजरी के मामले में आज भी फेलियर है, और यहाँ तक कि पुलिस जिला जाना जाता है, रेफर जिला। और दूसरा चीज क्या है कि आप देखेंगे कि कोई भी अगर पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस के द्वारा भी जो सत्यापित की जाती मेडिकल जांच भी, आपके भदोही में या तो सोनभद्र जाएंगे या मिर्ज़ापुर कमिश्नर हॉस्पिटल जाएंगे या बनारस भेजेंगे, और एक से हफ्ते से लेकर के 2-2 महीने तक रिपोर्ट आने में लग जाता है। तो ऐसे जांच में भी सहयोग नहीं मिलता, यानी कानूनी रूप से भी देखा जाए तो अस्पताल हमारे लिए आवश्यकता है, प्राथमिकता है, मांग है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो पाया? पिछली सरकारें ने जो गलती की उसका मेन
आज भी हम झेल रहे हैं, हमारी सरकार आने के बावजूद भी केंद्र सरकार राज्य सरकार बार बार कह रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जिले स्तर पर अस्पताल अच्छी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। आपको नहीं लगता निचले स्तर पर ज़्यादा लापरवाही हो रही है इसमें? ये इसलिए हो रही है, देखिए क्या है, हम एक उदाहरण देंगे। हमारे देश में प्राचीन काल से आए अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंब की जो सामाजिक राजनीतिक प्रकाष्ठा रही है, उस नाते आयातित लोग हर जिले से ले लीजिए, प्रदेश से ले लीजिए, देश से ले लीजिए, तो ये प्राचीन से चला आ रहा है। भदोही जब से निर्माण हुआ है, लोकल वोकल की जो राजनीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू की थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो आज आवश्यकता से ज़्यादा मांग हो गई है जिले में कि लोकल वो वोकल की राजनीति, हमें भदोही का अगर ही व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको पता है कि मेरे घर में क्या कमी है, समस्याओं के बारे में जानकारी है, वो जाता है लोगों के बीच। महिलाओं की भागीदारी अब तक देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो इलेक्शन लड़ने की बात, उसमें वो पीछे रही हैं, अन्य पार्टियों में महिलाओं को स्थान आगे मिला है, ऐसा क्या कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाएं अभी तक पीछे रही? नहीं देखिए, इस विषय पे मैं कहूँगा, इस पर थोड़ा सा अध्ययन का विषय है आप सभी पत्रकार बंधुओं को। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी महिलाओं को अवसर दिया है प्रत्येक क्षेत्र में, जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में हो या किसी और भी क्षेत्र में, अन्य पार्टी अभी तक नहीं दी है, और जो भी दिए हैं गिना चुना दिया है, और वो गिना चुना लोग इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है या महिला है, जैसे भदोही जनपद की बात कर रहे हैं तो भदोही में अभी भी जो एक एडवांस कल्चर होता है वो कल्चर यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि महिलाओं को अभी भी वो घूंघट प्रथा वाला नियम दिखा जाता है, इस कारण से महिला उठना तो चाहती है लेकिन उस लेवल पर नहीं उठ पाती, जिसके कारण से पार्टी उस विषय में सोच सके, पार्टी अवसर दे सके। क्या लग रहा है, मतलब पारिवारिक सपोर्ट भी वो नहीं मिल पा रहा? हाँ, क्योंकि पारिवारिक सपोर्ट जब मिलता है तो महिलाएं खुलकर करते, एक दो महिलाएं हैं जो राजनीति में अभिरुचि रख रही, भदोही की नेत्री भी है, उसमें दो चार महिलाएं हैं, नीलम गुप्ता है, सपना दुबे है, रेणु पांडे है, अवसर चाहती है, लेकिन उनके पीछे एक जो पारिवारिक जिम्मा है वो चाह के भी उतना ओपन नहीं हो पा रहे, ओपन होना चाहती है राजनीति में, जिस तरह उनके जैसा मेहनती अभी महिला मैंने भदोही जिले में नहीं देखा है। अब अवसर मिलेगा तो वो करेंगी, क्योंकि उस अवसर के लेवल तक पहुंचने में जो एक कहते ना कि किसी राष्ट्र को चुनाने के चारों स्तंभ मजबूत चाहिए, एक महिला को जब समाज में उठना बैठना पड़ता है तो उसको पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हर प्रकार से मजबूत होना पड़ता है, तो वो परिवार उसमें पति भी होता है सब कुछ, तो यहाँ पे भदोही में इस कारण से महिला प्रमोट नहीं हो पाती। 33% की बात पार्टी कर रही है तो क्या इनको प्रमोट करने के लिए पार्टी और अलग से प्रयास नहीं करेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 70 साल के इतिहास में, 75 साल हो गए हैं, उसमें अभी तक महिलाओं को जो अन्य पार्टी हो कहती रही है लेकिन करी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखें जहाँ जहाँ सरकार है महिलाओं को अवसर दिया है, महिलाओं को मुख्यमंत्री के रूप में भी दिया है, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी दिया है, और मंत्री कैबिनेट मंत्री में भी दिया है, अभी राजस्थान में बनी सरकारों में भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने महिला को अवसर दिया। दिया कुमारी देखिए अभी डिप्टी सीएम बनी है राजस्थान की, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। भदोही का युवा चाहता है कि इस बार बाहरी प्रत्याशी ना हो, आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी अगर किसी बाहरी को टिकट देती तो क्या एक युवा होने के नाते आप विरोध करेंगे? देखिए मैं पार्टी के नाते पार्टी के साथ हूँ, पहले अच्छी विषय ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विरोध करना न करना, व्यक्ति विशेष अलग होता है, पार्टी मेरे लिए सर्वेसर्वा है, पार्टी के लिए सिंबल है, और सिंबल के ही चुनाव पे हम लड़ते हैं, पहला चीज। दूसरा विषय जो भदोही की युवाओं की आवश्यकता मांग है या भदोही की युवाओं की एक लालसा है कि हमारा क्षेत्रीय व्यक्ति बनेगा तो मेरे क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार होगा, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, और यदि पार्टी सोचेगी तो मैं लड़ने के लिए सक्षम। अगर पार्टी आपके अलावा किसी और युवा को चुनाव मैदान में उतारती है तो आपका स्टैंड क्या होगा उसके? देखिए मैं पहले भी कहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, तो मैं सिंबल के लिए लड़ूंगा ना कि व्यक्ति विशेष, वो कोई भी हो सकता है, पार्टी यदि अवसर देगी तो मैं फिर तैयार हूँ, यही बार आपको पुनः रिपीट कर रहा हूँ। ललितेश पत त्रिपाठी तृणमूल कांग्रेस से भदोही जनपद में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और एकमात्र सीट अगर तृणमूल कांग्रेस, जिसका कोई जनाधार मुझे नहीं लगता इस जनपद भदोही में है, बावजूद इसके वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसको आप कितना सटीक मानते हैं?
देखिए तृणमूल कांग्रेस का भदोही क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, पहले तो आप जान लीजिए। दूसरा विषय, जिस व्यक्ति का नाम तृणमूल कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है या जुड़ा है या जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है और भदोही का ख्वाब देख रहे हैं, तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, देखना चाहिए और उस पर कोई दो राय नहीं। दूसरा विषय, वह तृणमूल कांग्रेस है जिसने पूर्वांचल के कई युवा चेहरे को, कई रोजगार करने गए बंगाल में, उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया है इसका जवाब दे ही दे। वही तृणमूल कांग्रेस पार्टी है जिसने रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में लाने का काम किया है। तो ऐसी पार्टी को लेकर के यदि ललितेशपति त्रिपाठी कर रहे हैं तो वो अपने पूर्वांचल का अपमान कर रहे हैं, भदोही का अपमान कर रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है कि ऐसे परिवार से होकर के जिसके दादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों और उनका परपोता इस तरह की गतिविधि कर रहा है, तो एक जातिगत रूप से भी देखा जाए, सामाजिक रूप से भी देखा जाए या पूर्वांचल दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए, ये वही तृणमूल कांग्रेस है, इसी भदोही लोकसभा क्षेत्र के ज्ञानपुर के बारीपुर के मनीष शुक्ला का दिन दहाड़े AK-47 से तृणमूल कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई थी थाने के पास बैरकपुर में, वो बड़ा दुखदायी और भदोही और पूर्वांचल के लिए एक बड़ा दर्द का विषय रहा। उसको जान के भी अनजान बन रहे हो तो ये गलत बात है। ये राजनीति यदि कर रहे हो तो पूर्वांचल का विकास की बात करो, पूर्वांचल के समृद्धि की बात करो, पूर्वांचल की युवाओं को रोजगार की बात करो, तब तो अच्छा लगता है, स्वागत होना चाहिए था। लेकिन ये घटना करके वो अपने कुल की राजनीति को भी एक हाशिए पे लाने का काम कर रहे हैं। और भदोही क्या पूर्वांचल भी अगर तृणमूल कांग्रेस से ख्वाब देखे हैं तो मंगोरी लाल के पुनः सपने देखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है, ललिते त्रिपाठी इंडिया गठबंधन से आएंगे, तृणमूल कांग्रेस से अगर टिकट मिलता है तो क्या समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है उसका लाभ ले पाएंगे? देखिए समाजवादी पार्टी के पास आज की डेट में कोई विषय बचा नहीं है। समाजवादी के पार्टी के पास यदि जिस समय 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, युवा के नाते बनाया गया था, युवा के नाते लोगों ने वोट प्रतिशत दिया था, आप 2012 का, 2017 का, 2022 का देखेंगे सपा का वोट प्रतिशत गिरा है, सीट भले जीती है एक्स्ट्रा लेकिन जनाधार उसका कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो किया नहीं। यदि टोटी चोर के नाम से प्रसिद्ध हो आज तक उत्तर दे नहीं पाए हैं अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं ये मुख्य बिंदु रहे हैं कि एक सीएम के ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है उसका, उस आरोप का खंडन नहीं कर पा रहा, ये सबसे बड़ा मुख्य कि ऐसे युवा के चेहरे और ऐसे पार्टी के नाम पे अधिकार है तो मजाक ही बना रहे हैं और जनता को भी मजाक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो जनता जाग चुकी है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2024 में भदोही के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट भदोही भाजपा जीत रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि आप जो एग्जाम तो करवाते हैं लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते, पेपर लीक हो जाते हैं आपकी पार्टी में। ऐसा है, इसकी नींव रखने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रही है। आज तक बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं, जितनी भर्ती हुई है, एक भी भर्ती अगर सही से बिना कोर्ट के पैरवी बिना किए अगर कोई भर्ती बिना शांतिपूर्वक हुई तो कोई बता दे। और उन्हीं की देन है और उन्हीं के लोग आज भी लगे हैं कि ये सफल न हो पाए। जो लोग पकड़े गए हैं नकल में या जो लोग इस धंधे में पड़े कहिए तो पकड़े गए हैं, वो सब के सब सपाही निकल रहे हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। अगर कहीं ये जो पकड़े गए हैं इसके अलावा और लोगों पे जांच चल रही है, यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता का नाम आता है तो पार्टी का स्टैंड उसके साथ क्या होगा? देखिए अभी जो भी पकड़े गए हैं वो अन्य पार्टी के हैं, वो चिन्हित हो चुके हैं और कुछ पे जांच चल रही है, ठीक है, और ATS की टीम चली जांच कर ही रही है। उसके साथ अगर ऐसा कोई विषय आता है पार्टी शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह उस पर अलर्ट है, हमारी प्रदेश की संगठन और केंद्र की संगठन, और मुझे उम्मीद है हमारा खाटी भाजपाई या खाटी संघी स्वयंसेवक कभी भी नहीं इस चीज में लिप्त होगा, न हो होने के आसार। मेरा सवाल है अगर अगर ऐसा नाम आता है तो क्या कार्रवाई उसके खिलाफ होगी? वो जो अगर आएगा वो अगर में जो है वो लोग हैं जो उछल कूद करके अभी साल 6 महीने में भाजपा का दामन छाम करके अपना
चिंदी चोरी बचाना चाह रहे हैं वही लोग होंगे। तो आपकी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि भाजपा क्या ऐसी कोई नदी है जिसमें जो जाएगा वो पवित्र हो जाएगा? भाई साहब, भाजपा नदी ही नहीं, भाजपा वो समुद्र है जो हीरे चांदी सोना और मंथन करके समुद्र मंथन भी करवाने की क्षमता रखती है। ऐसे लोगों को निकालने में भाजपा माहिर है और अच्छे लोगों को निकालती है। तो नदी नहीं, मैं तो कहूंगा समुद्र है। धन्यवाद, आपने बेबाकी से जनपद के मुद्दों पर और पार्टी का स्टैंड पर अपना पक्ष रखा। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।